प्यारे बच्चों नमस्ते। आज है हमारा साइंस एक्टिविटी डे और आज की बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है हमारी। इस एक्टिविटी में हम बनाएंगे प्राकृतिक सूचक और मैंने आपको बताया था कि आप सभी को लेके आना है हल्दी पाउडर्ड फॉर्म में और गुड़हल का फूल और मैंने आपसे मंगाई थी व्हाइट शीट्स। तो इन व्हाइट शीट्स को आप चौकोर इस रूप में काट लीजिए और क्या करेंगे, आधे बच्चे इस पाउडर हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और कॉटन से एक चौकोर पे एक व्हाइट शीट पे अप्लाई करेंगे और आधे बच्चे क्या करेंगे, इस गुड़हल के फूल को इस व्हाइट शीट के ऊपर पूरी तरीके से रगड़ देंगे और फिर इसको एक घंटे सूखने के लिए रख दीजिए। इसको अच्छे तरीके से आगे पीछे से पूरा कवर करना है। नेक्स्ट शीट पे आप गुड़हल का फूल पूरी तरीके से रगड़ दीजिए। अब इन दोनों को एक घंटे के लिए सूखने के लिए हम छोड़ देते हैं। अब एक घंटा होने के बाद हम क्या करेंगे कि इन चौकोर शीट्स को कट करेंगे पतली पतली स्ट्रिप्स में। तो मेरे साथ करिए आप वो। ये हमारे अपने लिटमस पेपर तैयार हो चुके हैं। तो आज हम टेस्ट करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स को और कैटेगराइज करेंगे उन्हें एसिड और बेसिस में। तो आपको क्या करना है, आपको बस एक एक स्ट्रिप लेनी है और मेरे साथ प्रोडक्ट में उसको डिप करनी है और उसके बाद आप देखिए कि क्या इसमें कोई कलर चेंज है या नहीं। आपके सामने इस ट्रे में बोल है 6 और इन 6 बोल्स में कुछ कुछ प्रोडक्ट मौजूद है। अब मैं आपके सामने इन्हीं लिटमस पेपर से जो हमने बनाए हैं इससे टेस्ट करूंगी। तो देखिए और नोटिस करूंगी कि क्या कोई कलर चेंज है या नहीं। इसी तरीके से अब मैं गुड़हल की पत्तियों के साथ में टेस्ट करूंगी। नोटिस किया आपने कलर चेंज। ये फर्स्ट स्ट्रिप मैंने इस प्रोडक्ट में डाली थी, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें और इसी तरीके से फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। और सिमिलरली जो हमने गुड़हल के फूल से जो लिटमस टेस्ट के लिए बनाई थी स्ट्रिप्स उसमें, अगर आप ध्यान से अब इन स्ट्रिप्स को देखिए तो देखेंगे कि इसके अंदर इन तीन स्ट्रिप्स में कोई कलर चेंज नहीं है और ये जो तीन स्ट्रिप्स हैं इनका कलर बदल के हो गया है लाल। इसी तरीके से इन तीन स्ट्रिप्स को अगर हम देखें तो इन तीन स्ट्रिप्स में भी कलर में चेंज नहीं है, क्योंकि देखिए गुड़हल का फूल जो है जब सूख गया था तब पर्पल हो गया था, वैसे वो पिंक ही था। और इन तीन स्ट्रिप्स को अगर हम ध्यान से देखें तो कलर जो है वो लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। इसका अर्थ क्या हुआ, हल्दी और गुड़हल का फूल दोनों अमल के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, ये सिर्फ रिएक्ट करते हैं क्षार के साथ। क्षार के साथ इन्होंने अभिक्रिया करके अपना रंग बदल लिया है। इसी तरीके से गुड़हल के फूल की बनी हुई पत्तियों से जो हमने ये अपने टेस्टिंग पेपर्स बनाए थे ये भी क्षार के साथ ही रिएक्ट करके अपने कलर में चेंज लाते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकला कि नींबू का रस और मौसमी के रस में अमल मौजूद था, तभी तो हल्दी और गुड़हल के फूल की जो प्राकृतिक सूचक की हमने स्ट्रिप्स बनाई थी उसमें कोई अभिक्रिया कोई कलर चेंज नहीं हुआ। पर अब अगर हम बात करें दूध की, दूध में कोई अमल नहीं होता, दूध एक उदासीन द्रव है। इसका अर्थ क्या हुआ, न तो वह अम्लीय है न ही वह क्षारकीय है। आगे बर्तन धोने का साबुन, बेकिंग सोडा और शीशा साफ करने का जो द्रवीय घोल था, क्योंकि हल्दी और गुड़हल के फूल की जो प्राकृतिक सूचक की स्ट्रिप्स थी उसमें रंग में बदलाव था, इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके अंदर क्षार मौजूद है।
मिलन सृष्टि एंड वी सपोर्ट फाउंडेशन विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।